हेलो स्टूडेंट, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ टीचर। बेटा आज के सेशन में हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ये पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, मीन्स अगर हमें दो ट्रायंगल्स सिमिलर करने हो, ठीक है ना, तो कौन कौन से क्राइटेरिया या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और रूल होते हैं जिनके बेसिस पर हम टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कर पाते हैं। उससे पहले बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन इस बात को एक बार मैं आपको लिख कर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज दैट बेटा हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रायंगल ये लिया हुआ एबीसी और एक ट्रायंगल यहाँ पर पीक्यूआर, ठीक है, पीक्यूआर ये ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। और सपोज दैट कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल्स अगर आपके सिमिलर हैं बच्चों, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग अगर मैं साइड्स की बात करूं यहाँ पर, तो एबी की करस्पॉन्डिंग साइड जो है बेटा वो पीक्यू यहाँ पर बनेगी, बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यूआर हो जाएगी और एसी की करस्पॉन्डिंग साइड पीआर होगी। इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि जो सिंबॉलिक फॉर्म है यहाँ से बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात कि जो करस्पॉन्डिंग अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, यानी एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इक्वल टू एसी अपॉन पीआर, ठीक है ना। एंड सेकेंड एंड साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल ए एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा तो ये इक्वल होगा, ठीक है। एंगल बी एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे बेटा। इसी तरह से सी और आर, ठीक है ना, ये इक्वल होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, कि किसी भी ट्रायंगल के सिक्स पार्ट्स होते हैं। जनरली हम लोग क्लास नाइन से जानते हैं थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, ओके। तो यहाँ पर जो थ्री साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी और थ्री एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर सिमिलर हैं तो। अब मैं बात करने वाला हूँ सिमिलरिटी क्राइटेरिया की, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं क्लास नाइन्थ में आपको ले जाना चाहूंगा बच्चों, है ना। उसमें अगर आपको कॉन्वेंसी अगर पता हो थोड़ा सा, ठीक है ना, और वहाँ पे चीज़ें अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाएं यहाँ पर क्लास नाइन्थ की चीज़ें, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीज़ें आसान बनने वाली हैं। अगर हम टू ट्रायंगल्स की कॉन्वेंसी की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा आपको पढ़ाया गया था, है ना, और डेफिनेटली होता भी है। यहाँ पर बस करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, बस प्रोपोर्शनल होने में और इक्वल होने में क्या डिफरेंस आता है, बस इतना डिफरेंस आता है कि यहाँ पर जो फिगर है वो छोटा या बड़ा हो सकता है साइड में। एक जैसे ट्रायंगल मैंने ये बनाया और एक छोटा ट्रायंगल बना दिया, तो ये आपके ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, है ना, कंफर्मली नहीं बट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्वेंट की बात करूं तो डेफिनेटली नहीं होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होगी, क्योंकि फिगर छोटे बड़े होने का, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो फिगर का साइज सेम होगा, है ना, जो भी हम दो ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हैं या फिर दो ट्रायंगल्स लेते हैं। लेकिन अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो वहां पर क्या होगा कि अगर सपोज दैट ये छोटा वाला ट्रायंगल है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, अगर ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर रखा जाता है, ये वाला एंगल इसके ऊपर रखते हैं अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा हमारा, ठीक है ना, इस तरह से अगर ये सिमिलर है तो। और जब हम सिमेट्रिकली इनके वर्टेक्स को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, तब ये एक दूसरे के जस्ट ऊपर, जब ये वाला वर्टेक्स इसके ऊपर आएगा तो ये वाला वर्टेक्स डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा। और अगर ये वर्टेक्स इसके ऊपर नहीं आ रहा, ये वाला वर्टेक्स जो है, जैसे मैं अगर बात करूं, सपोज दैट ये एबीसी ट्रायंगल है बच्चों और ये पीक्यूआर ट्रायंगल, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा यहां पर, ठीक है ना, एबीसी और ये PQR, ठीक है ना, कि ज्योमेट्रिकली अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या फिर साइड प्रोपोर्शनल होती है ट्रायंगल्स की, ठीक है ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर सपोज दैट साइड इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, यानी लेंथ कम या ज्यादा है। जैसे अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं, ये ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होने मान लिए, साइज कम ज्यादा है और मान लिया सिमिलर है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अप्रोच करते हैं या समझते हैं तो देन व्हाट हैपेंड, अगर ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है ना, ये वाला वर्टेक्स इसके ऊपर रखते हैं और अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग क्या है, या फिर साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं बच्चों। फिर उसके बाद मैं क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये ट्रायंगल अगर इसके ऊपर रखा जाएगा तो बी के ऊपर क्यू आ गया, ठीक है ना, और ये आपका पी हो गया यहाँ पर और ये क्या हो गया आपका आर हो गया, ठीक है ना, इस तरह ट्रायंगल बना। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं सिमेट्रिकली, यानी साथ दोनों ट्रायंगल मतलब वर्टेक्स को एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंड करते हैं, तो ये यहाँ पर स्ट्रेच करके यहाँ पर आएगा, अगर प्रोपोर्शनल है तो ये पी पर आ जाएगा और ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेगा अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो। अगर साइड प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों, तो जब पता लगा कि ये इसके ऊपर आया वर्टेक्स, ये आर वाला वर्टेक्स सी के ऊपर अगर हम लेकर आते हैं तो पी वाला या तो ए के ए से पहले खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर है कि या फिर इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, अगर साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब ये कई बार काम करेगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को ट्रेनिंग को सिमिलर करने में या फिर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने में, ये कॉन्सेप्ट जो है आपकी कई बार हेल्प करेगा बेटा, कई क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। खैर अभी ये तो बात हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली फील करने की कोशिश करी है हमने इस क्वेश्चन को, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया की। तो कॉन्वेंसी के क्राइटेरिया अगर आपको बताऊं बेटा, क्लास नाइन से तो एस ए ट्रिपल एस एस ए एस एस
एस के बाद ए एस है बेटा, ठीक है ना, ए एस और यहाँ पर आर एस एस, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया जो है वो आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से सिमिलरिटी में ये वाला फॉलो होगा, ठीक है ना। ये दोनों फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये और ये फॉलो नहीं होंगे, ए एस ये भी सॉरी एस ए एस फॉलो होगा, सॉरी एस ए एस फॉलो होगा, बट ये ए एस ए फॉलो नहीं होगा, ए एस फॉलो नहीं होगा और आर एस एस फॉलो होगा। इन दोनों के प्लेसेस पर एक आ जाता है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, इन दोनों के प्लेसेस पर, क्योंकि इसमें दो एंगल यूज कर रहे हो आप, तो साइड की जरूरत नहीं है, साइड की जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। यानी इन दोनों के प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ जाएंगे। इस तरह से हमारे फोर सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना, ट्रिपल एस, एस ए एस और ए और आर्चेस, ठीक है ना। मैंने कंपेयर करके यहाँ पर इसलिए बताया कि कॉन्ग्रेसी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो वहां पर फाइव क्राइटेरिया होते हैं, यहाँ पर इन दोनों को हटाकर इसकी जगह पर एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ जाता है। इसी तरह से टोटल हमारे फोर सिमिलरिटी क्राइटेरिया बनते हैं। अब बात आती है बेटा इनका हम यूज कैसे करते हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। उसको भी थोड़ा सा बच्चों आप लोग समझिएगा कि कैसे हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नंबर वन ट्रिपल एस यानी एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसको हम समझते हैं। सपोज दैट बेटा ये हमारे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है ना, ये एबीसी और ये हमारा पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर बच्चों, पी क्यू आर। इसमें सपोज दैट हमें दिया गया है कि एबी की करस्पॉन्डिंग साइड QR, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रिवर्स करके ले रहा हूँ ऑर्डर, जिससे कि सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लिखें तो उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर पाऊँ आपसे, ठीक है ना। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड मैंने ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है, सिंबल बना लिए नोटेशन, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये लिया। सपोज दैट अगर ऐसा है, यानी कि और ये रेशियो जो है वो इक्वल है यहाँ पर, इफ इफ इफ, ठीक है ना। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है बच्चों, ठीक है ना, क्यू आर। अगर ये वाला रेशियो इक्वल टू है, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर देख सकते हैं पी क्यू है, तो BC upon PQ, यानी रेशियो लिया, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है और इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं AC की करस्पोंडिंग साइड बेटा PR है, ठीक है ना। अगर ऐसा है, ठीक है ना, मान लो इफ, इसीलिए मैंने यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिर ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रिपल एस में पहला ट्रायंगल आप कैसे भी लीजिए, क्योंकि ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखते हैं इसको बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरह से चीजों को लिखते हैं, है ना। तो पहला वाला ट्रायंगल ट्रिपल एस में कैसे भी ले लीजिए, एबीसी ले सकते हैं, बीएसी ले सकते हैं, सीएबी ले सकते हैं, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, ठीक है ना, और भी जो भी ऑर्डर आप बना सकते हैं वो बनाइए। पहला ट्रायंगल आप कैसे भी लीजिए, लेकिन दूसरा ट्रायंगल जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल दूसरे को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एबी की करस्पोंडिंग साइड आप देख सकते हैं क्यू आर है, तो यहाँ पर आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर अगर आपने लिखा है एबी की करस्पोंडिंग साइड, तीसरा वर्टेक्स पी आ जाएगा। एक और ऑर्डर लिख सकते हैं हम, आर क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि एबी की करस्पोंडिंग साइड आप क्यू आर भी लिख सकते हैं और आर क्यू भी लिख सकते हैं, तीसरा वर्टेक्स तो डेफिनेटली पी ही होगा, है ना। अब आप कहेंगे सर ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। पहले तो मैं बता दूं दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों अलग अलग है। पहली चीज, अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो इसका सही तरीका ये है कि आप ए बी तो चेक कर ही चुके हैं, आपने ए बी तो सही लिखा ही है क्यू आर, आप जो दूसरी वाली साइड बी सी इसको चेक करिए। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड ये आर पी दिखा रहा है, और ये देखिए बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, पी क्यू है, तो डेफिनेटली ये वाला ऑर्डर गलत हो गया। तो सही ऑर्डर कौन सा होगा, वो सही ऑर्डर होगा आपका आर पी, है ना। अगर देखिए दो ही पॉसिबिलिटी है इसको लिखने की, तो अगर पहली वाली गलत होगी तो दूसरी 100% सही होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना। अगर चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू पी दिखा रहे हैं, वही है आपकी BC corresponding है QP या PQ, जो भी आप बोलिए वहां पर वही साइड आ रही है। अब जब दो सही हो गई तो तीसरी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तीसरी तो डेफिनेटली सही होगी। अगर चाहे आप तो यहाँ पर AC की corresponding RP दिखा रहे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको तरीका क्या है लिखने का, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका तरीका लिखने का बच्चों, यही है, ठीक है ना, कि पहला तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये क्यू आर से गड़बड़ा रहा है आंसर, तो बस इसको रिवर्स कर दीजिए, आर क्यू लिख दीजिए, फिर तो डेफिनेटली सही हो ही जाएगा आपको। और चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, सिर्फ आप जो सेकंड साइड है बीसी इसको आप चेक कर लीजिए, आपको थर्ड साइड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो सही है तो तीसरा तो बाई डिफॉल्ट आपका सही करस्पॉन्डिंग साइड मिलने ही वाली है बच्चों, ठीक है। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया हो गया, और अगर ऐसा है तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जो रिमेनिंग पार्ट्स, डेफिनेटली जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे होंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड का तो यूज कर लिया है, ठीक है ना, ट्रिपल एस, रिमेनिंग पार्ट्स हमारे थ्री एंगल्स होने वाले हैं, यानी कि एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ये वाला, इसको मैं इजी कर देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये ट्रायंगल आर क्यू पी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर बेटा ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और बी अगर है तो क्यू होगा, बी का करस्पोंडिंग एंगल,
और इसी तरह से बच्चों अगर सी है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली क्या होने वाला है, पी होने वाला है, ठीक है, एंगल पी। तो ये आपका हो जाएगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है ट्रिपल एस के तो फिर ये जो एंगल्स होंगे रिमेनिंग थ्री एंगल्स बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से बेटा सेकंड क्राइटेरिया में हम लोग आते हैं, वो सेकंड क्राइटेरिया हमारा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बहुत आसान है, अगर इसको नोट करना चाहते हैं बच्चों तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग SAS, तो अच्छा SAS में ये तो पक्का है कि जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड साइड ही होगा, है ना, इंक्लूडेड साइड। यहाँ पर SAS का मतलब जो भी आप दो करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे उनका रेशियो इक्वल होगा और उनके बीच का एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल तो हमने कंसीडर किए हुए, इसमें दो साइड्स ये ले ली हमने और इसमें जो साइड्स हैं, ठीक है ना, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर इसमें जो साइड्स हैं वो हम ये वाली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली, इसको सिंगल डैश और इसको डबल डैश लगा दे रहा हूं और इंक्लूडेड एंगल ही लेना है आपको, ये वाला एंगल है इंक्लूडेड और इसमें ये वाला एंगल इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और मैंने ये सिंबल इसलिए लगाए जिससे कि आप फिगर को देख के पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड PR है, यानी कि AB और PR का रेशियो लेना है और यहां पर BC की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है तो BC और PQ का करस्पॉन्डिंग, मतलब BC का और PQ का रेशियो जो है वो हमें लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर मैं फिर लिख रहा हूं इफ, ये कुछ यहाँ पर तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ठीक है ना, कि गिवन उसका हम यूज करके देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पे सारी चीजों में क्राइटेरिया को समझाने के लिए यहाँ पर कंसीडर कर ले रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, कि इस ट्रायंगल में ऐसा ऐसा हमें दिया गया है, ठीक है ना, ये मान ले रहा हूँ। किस लिए मान ले रहा हूँ, कि आपको प्रॉपर्टीज या रूल बताने हैं, ठीक है ना, वो किस तरह से हमारे जो ट्रायंगल्स होंगे उसमें अप्लाई होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ ये प्रूफ नहीं है बच्चों, ठीक है ना, हम किस तरह से इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ डेरिवेशन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर AB, if suppose that AB की corresponding side बच्चों क्या है, PR है, if AB equal to PR equal to, और BC की corresponding side यहाँ पर देख सकते हैं, BC की corresponding side यहाँ पर PQ है, ठीक है, एंड एंड जो एंगल है आपका एंगल B equal to एंगल P है, ठीक है ना, इंक्लूडेड एंगल, तो हम बोलते हैं ट्रायंगल सिमिलर। अब देखिए ट्रिपल एस में तो मैंने कहा था कि पहला वाला ट्रायंगल आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका बच्चों आपको बहुत ध्यान से सीखना है। लेकिन यहाँ पर क्या एंगल इंक्लूड हो गया है, तो जब हम ट्रायंगल जो हम एबीसी लेंगे उसमें सबसे पहले बी लिखेंगे, इससे थोड़ा सा चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है ना, बी। अब आप बी सी ए बी कर सकते हैं, बी ए सी बी कर सकते हैं, क्योंकि बी सी बी के बाद अगर सी लेंगे तो ये भी हमने करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के लिए हुई है, और अगर बी ए लेते हैं तो ये भी करस्पॉन्डिंग साइड हमने दूसरे ट्रायंगल के लिए हुई है, ठीक है ना। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा अगर आप फॉलो करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बी के साथ हमने बी ए सी ले लिया, सिमिलर ट्रायंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, यहाँ पर बी ए को बी लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने कौन सी साइड ली थी, यहाँ पर बी ए साइड ली थी, ठीक है ना, तो बी ए की करस्पॉन्डिंग साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी है, पी आर। तो जब पी फिक्स है तो दूसरा तो आर हो ही जाना है, ठीक है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा, अगर पी आर हुआ तो तीसरा हो जाएगा क्यू यहाँ पर, ठीक है ना। ये डेफिनेटली गलत नहीं है, उसमें तो हम चेक भी करते थे ट्रिपल एस में, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, ये डेफिनेटली ऑर्डर हमारा जो है वो सही होने वाला है, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एंगल पहले लिखना है आपको, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने बी ए साइड ली हुई है और बी सी दोनों ली हुई, तो बी के बाद सी भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं, हमने बी ए सी लिया हुआ है, ठीक है ना। तो बी ए सी अगर ले रहे हैं तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, पी है, तो हमने यहाँ पर पी लिखा, फिर हमने देखा बी ए लिया था यहाँ पे, दूसरा हमने क्या लिया था, साइड लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम साइड को ही कंसिडर करेंगे, तो बी ए की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, हमारी पी आर है, तो जब पी हमने फिक्स कर दिया तो दूसरा आर ही होगा, इसमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटी होनी नहीं है बच्चों, और तीसरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये भाई ऐसे है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे, और दैट इंप्लाइज करके, ठीक है, दैट इंप्लाइज करके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी और फिर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन साइड प्रोपोर्शनल हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जो रिमेनिंग साइड है वो यही बची हुई है, ठीक है ना। तो AC अपॉन PR तो किसी के भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंगल रेशियो है, सॉरी PR नहीं QR होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी, क्योंकि AC की करस्पॉन्डिंग साइड QR है यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसके इक्वल होने के लिए दूसरा भी तो रेशियो हमारे पास होना चाहिए, तो वो दूसरा रेशियो तो है ही नहीं, क्योंकि रिमेनिंग साइड्स हमारी वन है, तो जो उसका रेशियो हम किसी के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे इसके बाद, एंगल्स, ठीक है ना, एंगल्स लिख सकते हैं। तो ये एंगल बी और क्यू तो पी तो हो ही गया, इस ये तो गिवन भी बेटा आपको दे रखा है, एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी जो है बच्चों वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है ना। और ये पॉइंट जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रिमेनिंग साइड वन है ठीक है ना, बची हुई साइड जो हम बोलते हैं कि रिमेनिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगी और रिमेनिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम एक साइड इसकी लेते हैं बची हुई और एक साइड इसकी लेते हैं तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा, उसके लिए दूसरी साइड भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए रिमेनिंग रेशियो को इक्वल करने के लिए हमारे पास रिमेनिंग साइड दो होनी चाहिए, एक से हमारा रेशियो जो है वो इक्वल नहीं हो पाएगा, इस बात को भी बच्चों आपको ध्यान रखना है ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्राइटेरिया पर हम लोग आते हैं बच्चों, ये है हमारा एसिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ पर इसको इरेज करके ठीक है आपको एसिमिलरिटी क्राइटेरिया पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। साइड्स हटा देंगे हम लोग यहाँ पर, साइड्स यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बुक्स में सबसे पहले आपको ट्रिपल ए लिखा हुआ है, ट्रिपल ए लिखिए या फिर ए लिखिए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया एक ही बात है, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल के बच्चों, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल होंगे तो तीसरा वाला तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हो ही जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि वी हैव टू चेक ओनली फॉर टू एंगल्स, यानी हम किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स को चेक करेंगे, तीसरे एंगल को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया बी जो है वो सपोज दैट आर के इक्वल है और यहाँ पर ए जो है वो सपोज दैट पी के इक्वल है, मान लिया मैं फिर लिख रहा हूँ, इफ अगर एंगल ए जो है वो एंगल पी है बच्चों और एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, तो तीसरा एंगल हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंगल इज सिमिलर टू सेकंड एंगल। अब आपकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की बात, ये सबसे ज्यादा आसान है बच्चों, सबसे ज्यादा आसान है। हमें क्या करना है, एंगल्स पहले लेने हैं, तो आप ए बी लीजिए या बी ए लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमने ए बी ले लिया, ए बी सी, फिर ए बी और फिर तीसरा तो सी हो गई सिमिलर एंगल, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा पी है आप देख सकते हैं, बी का आर है, तो तीसरा तो क्यों हो जाएगा, डेफिनेटली ये सही सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है, इसमें कोई भी आपको रीचेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और अगर ऐसा है ठीक है ना, ऐसा है तो एक जो रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है वो तो डेफिनेटली सी और आर इक्वल हो ही जाएगा, साथ साथ साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। प्रोपोर्शनल होने के लिए हमें कम से कम रिमेनिंग टू साइड्स पता होनी चाहिए किसी भी एक ट्रायंगल की, तो यहाँ पर तो हमें तीनों पता है ठीक है ना, दिस 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 क्योंकि यूज तो आपने ए किया हुआ है, साइड्स का तो यूज किया ही नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग हमारी थ्री साइड्स बची हुई है बच्चों, ठीक है ना। बस लिखना कैसे है वो देखिए जरा यहाँ पर, दैट अप्लाइज एंड करके, एंड एंड ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होता है पी आर इक्वल टू बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड आर क्यू या क्यू आर कुछ भी लिखिए, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं अगर आपने ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज किया है तो, ठीक ना। तो ये तो हो गया बेटा ट्रिपल ए और ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंड लास्ट वन आर्चेस सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ना, उसको भी हम देख लेते हैं समझ लेते हैं नंबर फोर कि वो क्या है, आर्चेस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसको भी हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर, उसको मैनेज करके थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये तो क्लियर है, आर्चेस का मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड होता है, तो पहले तो राइट ट्रायंगल होना चाहिए हमारे पास, तो ठीक है ना, बिना राइट ट्रायंगल के आपका आर्चेस यूज नहीं होगा, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले तो हम लोग उसको नोटेशन डाल देते हैं एबीसी और पीक्यूआर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइपोटेनियस का यूज होना ही चाहिए, है ना, हाइपोटेनियस का यूज अगर आप नहीं कर रहे तो आर्चेस का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, आर्चेस क्राइटेरिया नहीं बनेगा। तो एक तो 90-90 है, हाइपोटेनियस साइड आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये भी ले सकते हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एक साइड हमें यूज करनी है, आइदर दिस वन और दिस वन, वो आप किसी के भी करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, पी क्यू के भी ले सकते हैं, क्यू आर के भी ले सकते हैं, इसका भी बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एंगल बी जो है तो एंगल क्यू के इक्वल है और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, इफ जरूर लिखिएगा बेटा, क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं, और AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है और यहाँ पर AB की करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों क्या है QR है। अगर ऐसा होता है तो therefore triangle, पहला वाला triangle कैसे लेंगे, फिर देखिए जरा यहाँ पर angle सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, फिर आप B के साथ BA लिखना है या BC लिखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा BA क्योंकि BC साइड आपने ली नहीं है करस्पॉन्डिंग, तो B A लिखी और तीसरा क्या आ जाएगा C, सिमिलर ट्रेंगल, ठीक है ना। दूसरा अगर यहाँ B लिया है तो यहाँ पर बच्चों हम Q लेंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है, और Q के बाद मतलब साइड हमने लिखी बी ए और बी ए की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर देख सकते हैं क्यू आर है, तो क्यू के बाद बच्चों आर ही आने वाला है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा क्या हो जाएगा पी, डेफिनेटली इसको चेक करने की जरूरत नहीं, जहां पर एंगल इंक्लूड हो जाता है वहां पर जो मैंने रूल और तरीका बताया ठीक है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिपल एस में जरूर हम लोग चेक करते हैं, वो भी सेकंड साइड को, वो मैंने आपको सिखा रखा है, बाकी किसी में चेक करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पैटर्न बताया उसको फॉलो करिए, आसानी से चीजें आपकी बनने वाली है ना।
फिर उसके बाद अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं रिजल्ट्स, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं साइड्स की बात करूं तो दो साइड आप यूज कर सकते हो, सिर्फ एक साइड रिमेनिंग बची हुई है तो इसका आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि बीसी अपॉन पीक्यू हम लिखेंगे भी तो वो किसके इक्वल लिखेंगे, क्योंकि रिमेनिंग साइड सिर्फ हमारे पास एक है तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको आगे हम रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते रेशियो को, है ना। और जो एंगल्स है वो आप देख सकते हैं, तो बी और क्यू तो इक्वल है, ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, और बाकी कैसे हम यूज करते हैं जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे हम यूज करते हैं क्राइटेरिया, उसका क्या पैटर्न रहता है, वो भी सेशन हमारे बहुत बहुत शानदार होने वाले हैं और बहुत शानदार ट्रिक्स के साथ उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर जरूर आप लोग दबाइएगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं बच्चों तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।